क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इनके कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके, वो 9 मेनली एजुकेशनल बॉडीज या एजेंसीज हैं, इनको भी साथ में ऊपर कर लें। यहाँ पर आंसर हुआ 9 कोऑर्डिनेटर्स। इस पर इनडेप्थ क्वेश्चन भी बन सकते हैं लेकिन यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेटर कौन सा है, इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये पहले भी याद किया, जिसने डेवलप किया है, और मेन कोऑर्डिनेटर है। ये किन के लिए कोर्स तैयार करेंगे, फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स। कोऑर्डिनेटर है NPTEL, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल प्रोग्राम, ये इजी है लेकिन याद क्या रखना है, टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये वर्ब याद रखनी है। याद रखने के लिए इसके नीचे इसकी फुल फॉर्म आप अपनी कॉपी पर लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो NPTEL की ई निकाल के इंजीनियरिंग के साथ जोड़ लीजिए। ऐसे ही IACTE की सी की आवाज है ना, उसको सी हिंदी या पंजाबी या जिसमें भी आप लिखना है, सी आवाज साउंड के साथ सेल्फ को जोड़ लीजिए, सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स। थर्ड है UGC, ये UGC इजी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज। तो ये हमें पता है कि UGC का काम यूनिवर्सिटी के साथ है, ऐसे जोड़ना है, यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जो कोर्सेज ही होते हैं, यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं लेकिन अंडर ग्रेजुएट इसमें कॉलेजेस में भी होते हैं, याद रखने के लिए है सिर्फ, कि UGCI और पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटर इनको बनाया गया है। फोर्थ कोऑर्डिनेटर क्या है, CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अब इसमें कौन सा ओड वर्ड है, कम्युनिकेशन, इसको ऐसे याद रखो कि ये वर्ड मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है जो मैंने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा था, ऐसे एसोसिएट करो कि CEC में दोनों सीज जो हैं वो डी का काम करती हैं, डिफिकल्ट हैं, और डिफिकल्टी मुझे सबसे ज्यादा अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन में लगी थी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर, फिफ्थ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये रिसर्च पहली बार आया इसको मैंने लिखा, और ट्रेनिंग पहली बार आया ये लिखा। और क्वेश्चन NCERT से पूछे जा सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करना किसकी जिम्मेवारी है, NCERT की। टेक्स्ट बुक डेवलप करना जो बेसिक नेशनल लेवल पर है, किसकी जिम्मेवारी है, NCERT की। तो NCERT का काम ही सारा स्कूल के साथ है, ये कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें पहले से ही लगभग पता है। ओपन एजुकेशन स्कूलिंग की बात आती है, वहां NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, OS, ओपन स्कूलिंग। जब ओपन स्कूलिंग ही आ गया तो स्कूल एजुकेशन आ गई, तो स्कूल एजुकेशन के लिए NCERT और NIOS, ये दोनों, ये स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत इजी है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, स्कूलिंग इसमें है और NCERT हमें पता ही है। इग्नो हमें पता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इनके ओ को ओपन को उठाया और आउट ऑफ स्कूल लिख लिया आपने, इट मींस इग्नो का काम जो कोऑर्डिनेशन करनी है, कोऑर्डिनेटर किनके हैं, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के। EMB वेरी इजी, इंडियन इंस्टीट्यूट IIM इज इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पहले नहीं आया वर्ड, बेंगलोर है ना, तो मैनेजमेंट बेंगलोर, तो नेचुरली है कि ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, स्टडीज के लिए कोऑर्डिनेटर कब बनेंगे। निटर का TTT आ रहा है, तो टर का TTT इसी में आया है, और इसका लिख लिया आपने टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग है ना, फुल करके आपने लिखना है, ये लिखा निटर का टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग, इट मींस ये कोऑर्डिनेटर किसके होंगे, टीचर ट्रेनिंग के, एजुकेशन के। हम इसकी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इन रिसर्च, रिसर्च दो बार आया, एक NCERT में एक निटर में, तो ऐसे मेन वर्ड आपने निकाल के इसको याद रख लेना है, आपकी विजुअल मेमोरी स्ट्रांग है तो आप ऐसे